सत श्रीकाल एवरीवन, वेलकम टू चैनल। होर जी किदा सर, होप तुसी सर वधिया होंगे। तो जी शिमला आए हुए थे हम लोग काफ़ी टाइम से, और शिमला काफ़ी घूमा, एक्सप्लोर किया। अब वक्त आ गया है शिमला से वापस चंडीगढ़ जाने का। तो बस शाम के 5:30 हो रहे हैं, अब शाम का वक्त है, तो हम सोचे पहले चाय पीते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है शिमला में। इस वक्त 6 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, एकदम हाथ मेरे सुन्न हो गए हैं। तो बस चाय बन रही है, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। बाकी रास्ते में भी रुकते रुकाते जाएंगे, तो साथ में बने रहना और सारा ब्लॉग देखना, मज़ा आएगा। क्योंकि सर्दियों में पहाड़ों में ट्रैवल करके और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है ना। ये देखिए दिन भी ढलने लगा है, अभी सिर्फ 5:30 हो रहे हैं शाम के। तो जी गर्मा गर्म चाय आ गई मेरी। ऐसे ठंड के मौसम में ना गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी भी बहुत सुकून मिलता है। इस हाथ से मैंने चाय का कप पकड़ा है तो थोड़ा गर्माहट मिल रही है, लेकिन जिस हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है ना, हाथ मेरा पूरा सुन्न हो गया है। हाँ जी, इतनी ठंड, उसमें ये चाय अदरक वाली, मजा आ गया पी के। ठंड कितनी बढ़ गई ना, बहुत ठंड है, फ्रीजिंग कोल्ड हवा चल रही है। बिल्कुल, मैंने तो फटाफट अपनी चाय खत्म भी कर ली, बहुत ज्यादा ठंड। जोरावर तो कार से उतरा ही नहीं, हमने उसे अंदर ही बिठा के रखा है, अंदर वो खा पी रहा है अपना सामान। बस चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। तो जी निकल चले हैं शिमला से, यहाँ देखिए 5:30 बज रहे हैं, लेकिन इतना अंधेरा हो गया है जैसे लग रहा है कि 7 बज रहे हैं। मजा आएगा, नाइट ड्राइव है शिमला से चंडीगढ़ की, 3-4 घंटे में हम आराम से पहुंच जाएंगे अपने घर। क्योंकि 3-4 घंटे की ड्राइव है, इसलिए हम आराम आराम से जाते हैं, रुकते रुकाते जाते हैं, कोई रश नहीं करते हैं। मजा भी आता है ड्राइव करने का फैमिली के साथ। बाबा शिमला जल्दी आएंगे। यस, ये है शिमला का वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल, 5-स्टार होटल ओबेरॉय सेसिल। जरूर अच्छा लगे शिमला घूम के। अपा इस बार सारा ब्रिटिश एरा वाला शिमला घूमे, ओदे ही व्लॉग बनाए, अच्छे लगे थानू? भी जरूर को ना हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, उसे मैं सारी चीजें बताता था, तो उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि उसने कहा डेडा वीकेंड छुट्टियां है ना, तो हम लोग शिमला चलते हैं और ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स का व्लॉग बना के कवर करते हैं। कितना सोना लग रहा है देखो, जरूर देखो रात में शिमला दी लाइट्स ऑन होने तो बाद कितना सोना लग रहा है शिमला। ये देखिए शिमला रात में लाइट्स ऑन होने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पहाड़ों पर तो दिन ढलने लग गया है, लेकिन उस तरफ देखिए रेंज में अभी भी दिन ढल रहा है धीरे धीरे, मतलब और मे बी 30 मिनट लगेगा दिन ढलने में, क्योंकि अभी भी देखिए सनसेट होता दिखाई दे रहा है ऑरेंज ऑरेंज। ये देखिए जी कालका शिमला ट्रेन जा रही है, दिखनी थी ना, रास्ते में हमें क्रॉस हो रही है ट्रेन। ये जस्ट कैथली घाट रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल के आई है, अब आगे जा रही है टुवर्ड्स कंडा घाट। हमने पीछे हॉर्न सुन लिया था इस ट्रेन का, तभी यहाँ वेट करने रुक गए थे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल सा ब्रिज है, उसके ऊपर से ट्रेन गुजरी है। दिन में तो बहुत अच्छा सीन आता है, अब रात होने की वजह से ज्यादा क्लियरिटी है नहीं जी। इस वक्त हम पहुंच गए हैं कंडा घाट, एक कंडा घाट मार्केट। रात के 7 बज रहे हैं सिर्फ, लेकिन ऐसे लग रहा है 9 बज गए और मार्केट क्लोज हो रही है। पहाड़ों में जल्दी ही रात हो जाती है, जल्दी लोग सब मार्केट वार्केट बंद हो जाती है, जल्दी सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और जल्दी शांति छा जाती है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा होती है ना। तो जी इस वक्त हम पहुंच गए हैं सोलन, और ये है सोलन ब्रेवरी, बहुत ही फेमस सोलन ब्रेवरी, एस्टैब्लिश्ड इन 1855। आप सामने देख सकते हो बोर्ड सोलन ब्रेवरी का। सोलन भी काफी बड़ा शहर है। ये देखो
सोलन में भी 24/7 शॉप खुल गई है, इसका मतलब ये शॉप रात में भी बंद नहीं होती, 24/7 ओपन रहती है, इट्स गुड। और कितने सारे ब्रांड्स आ गए हैं, फूड ब्रांड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट, बर्गर सिंह, वांगी, कोस्टा कॉफ़ी, ये देखिए सोलन में, क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं दिल्ली चंडीगढ़ से। ये देखिए सारा सोलन शहर है। 6 बजे हम लोग चले थे शिमला से, 7:30 हो गए और हम पहुंच गए हैं सोलन, बस और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़, लेकिन उससे पहले बढ़िया सी कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, वहां करेंगे अपना डिनर बढ़िया सा, फिर चलेंगे चंडीगढ़, घर ही तो जाना है, आराम आराम से जाएंगे। जोरा मीनू हो गई, अच्छा भूख लगी, जोरा डिनर कितने करिए, फॉर्न होटल जिते थोड़ा बर्थडे बनाया सी अपा, ठीक है जी, बस 15-20 मिनट च आ जाएगा फॉर्न। जोरावर सिंह की डिमांड है फॉर्न होटल जाके डिनर करना है, जहाँ उसका बर्थडे मनाया था हमने, उसका भी प्रॉपर व्लॉग बनाया था मैंने, आप चेक कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो उनका फूड बहुत बढ़िया था, हमने भी सोच रखा था कि जब भी इस रूट पर हम आएंगे तो जरूर जाते वक्त या आते वक्त तो जो भी टाइम होगा वो टाइम पे फूड खाएंगे, चाहे डिनर टाइम हो या लंच टाइम हो, तो अब डिनर टाइम है तो डिनर करेंगे जाके। रोड जितनी बढ़िया है ना शिमला टू चंडीगढ़ की, कि आप अगर ज्यादा स्टॉप ना लो और एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करो तो आप 3 घंटे में चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। हाँ जी, इस वक्त हम पहुंच गए हैं धर्मपुर और टाइम हो रहा है 7:45। आपको इस रूट पर इतने सारे फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे, इतने सारे होटल्स, होम स्टे मिलेंगे कि आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। जहाँ आपका दिल करे आप रुक कर अपना फूड एंजॉय कर सकते हो, जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ स्टे कर सकते हो, इतनी सारी ऑप्शंस आपको इस रूट पर मिल जाएगी ना। इस साइड है कसौली और हम भी इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं धर्मपुर। इस वक्त हम जा रहे हैं फॉर्न होटल जो कि धर्मपुर कसौली में है, बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है फॉर्न होटल रिजॉर्ट। लाइव म्यूजिक भी चल रहा है यहाँ और बॉनफायर भी है, ठंड बहुत ज्यादा है। रेस्टोरेंट एरिया दसो। हाँ जी की मिनी स्टोनी सूप फॉर यू जरावर। तो आगे जी हमारा पनीर लबाबदार, अनियंस एंड लच्छा पराठा। सिंह हाउ इज योर सूप? It is yummy. Enjoy.
भाई माहौल तो बहुत ही जबरदस्त बन गया है यहाँ फन रिजॉर्ट में। लाइव म्यूजिक चल रही है, बहुत सारे चल रहे हैं, जाने का दिल नहीं कर रहा है पर काफ़ी लेट हो गया है, घर भी जाना है। इस वक्त हो रहे रात के 10, डिनर बहुत बढ़िया हो गया, अब चलते हैं सीधा चंडीगढ़। अच्छा हो गया सी ना, दिल नहीं कर रहे, बिल्कुल दिल नहीं कर रहे, वही मैं क्या कहते हैं जरा बड़ा दिल कर रहे जान का। नाइट ड्राइव करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, रोड इतनी अच्छी है। हम तो वहां से डिनर के लिए रुके थे फॉर्म में, लेकिन इतना अच्छा माहौल वहां था कि डिनर के बाद हम लोग ऑलमोस्ट एक घंटा एक्स्ट्रा रुक गए हम लोग वहां, क्योंकि माहौल ही इतना अच्छा था, अभी भी आने का दिल नहीं कर रहा था। लाइव म्यूजिक चल रहा था वहां पर, बहुत फायर बली हुई थी, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। स्वस्थ हो रहे हैं 10:15 बस, और 45 मिनट्स में अपने घर पहुंच जाएंगे। तो जी हम नीचे प्लेन्स में आ गए, बस चंडीगढ़ पहुंच गए हम लोग।